हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपको जैसे पता है कि आज हमारा सैटरडे है, तो हमारा एक क्वेश्चन पेपर अपलोड होने वाला है। तो आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो कि आपको पता है ऑक्सीलेशन है, तो ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दूँ जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए, कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, जहाँ डायग्राम नेसेसरी है वहाँ डायग्राम बना लो, और टाइम से पहले ही आपको टेस्ट फिनिश करना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर आपको यूट्यूब से नहीं दिख रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग ने डाइजेस्ट के लिंक्स भी दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हो, और ऑनेस्टली चेक करना, ताकि आपको पता चले कि आपके आंसर्स कितने अच्छे हैं, कितना आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। चलो, और ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, तो वो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, आपके सामने ये रहा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, 25 मार्क्स का है। अब यहाँ पर अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स ईच। अच्छे से स्टेटमेंट लिखना है क्लियरली, जहाँ फार्मूला है वहाँ पर आपको फार्मूला भी लिखना है। फिर उसके बाद डिफाइन करना है, डिफाइन सिर्फ अगर इसमें फार्मूला है तो फार्मूला लिखो, नहीं तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखकर, क्लियर डेफिनेशन लिखकर आप लोग रख देना। थर्ड भी आपके पास डेफिनेशन है, अच्छे से उसको समझाना, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास शॉर्ट आंसर्स में 9 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसका मतलब 3 मार्क्स ईच। अब इसमें अच्छे से देखना, आपको यूज़ करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे आपको ऑब्टेन करना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान से अच्छे से करना। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के ऊपर आपको लिखना है, और कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लास्ट में डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये डिफरेंस आपको लिखना है। तो ये आपके हो गए 15 मार्क्स, बाकी 15 मार्क्स आपको 3 मार्क्स ईच आगे मिलेंगे, ठीक है। तभी देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 3 न्यूमेरिकल्स दिए, तो आप लोग कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा। अगर मार्क्स आगे पीछे हो जाए तो भी कोई टेंशन मत लेना, जितने क्वेश्चन दिए हैं एटलीस्ट उतने अटैम्प्ट कर लो, ताकि आपका ये चैप्टर ओवर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस को, अगर आप लोग अच्छे से जाके देखोगे पेपर खत्म होने के बाद में, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के दिए, कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में से दिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना, समझना पहले क्वेश्चन पेपर को, फिर बाद में अटैम्प्ट करना। ट्राई टू अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, समझो क्वेश्चन को, फिर अटैम्प्ट करना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेना, सेकेंड क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल का, बहुत कुछ फाइंड आउट करना है, फोर्स, पीरियड, एक्सेलरेशन, तो अच्छे से ध्यान में रखना। सारे कुछ सेंटीमीटर्स में दिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा सिंपल पेंडुलम के ऊपर है, वो भी आप लोग कर लोगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलो, बाय।